गुड आफ्टरनून बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि जो एडिटोरियल का सेशन आप पढ़ रहे हैं उस सेशन पर जो आपके कुछ कन्फ्यूजन्स होंगे उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं एक एक्स्ट्रा सेशन लेकर आऊँगा। छोटा सा सेगमेंट रहेगा जिसमें कुछ उपयोगी चीज़ें, बहुत बेनिफिशियल जो चीज़ें होंगी वो आपको समझाई जाएंगी, ठीक है? आपको अच्छा लगेगा अगर आप ये सेशंस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहले सामने देख लें, ये बेस्ड ऑन एडिटोरियल सेशन 28 जो आपने आज पढ़ा है उसी पर आधारित है। पहला सेगमेंट देखिए इसमें क्या है आपका, ये सेगमेंट है आपका जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आइडेंटिफाई विच वन इज इन एक्टिव वॉइस एंड विच वन इन पैसिव वॉइस, यानी दो सेंटेंसेस केवल दिए गए हैं और आप में जो बच्चे मॉडरेट हैं स्पेशली ये उनके लिए सेक्शन मैंने डाला कि आप ये बता दें बस इसमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो आपको लग रहा है कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है या कौन सा ऐसा है जो आपको लग रहा है कि वो एक्टिव वॉइस में है। जल्दी से वाक्यों को देख लें और बताएं, आप अपने से भी बता सकते हैं बच्चों, आप अपनी कोशिश भी आप कर सकते हैं और आराम से आप इसे हैंडल कर सकते हैं। बोलें, क्या ईस्टर्न इंडिया वॉज बैटर्ड बाई वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स एक्टिव है या पैसिव, ये एक्टिव या पैसिव है, या वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स बैटर्ड ईस्टर्न इंडिया, कौन सा एक्टिव या पैसिव है? देखिए ये मैंने आपका टेस्ट लेने के लिए नहीं दिया है बच्चों, ये सेक्शन मैं सिर्फ इसलिए आ रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ चीज़ें आसान कर सकूँ। जैसे ही आपने देखा इज एम आर वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप तुरंत समझ जाएं नॉर्मली कि ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, कौन सा होगा बच्चों, ये पैसिव का स्ट्रक्चर होगा। लेकिन मेरा टारगेट केवल यही नहीं है, मेरा टारगेट क्या है कि अब आप इसे समझें, क्या कैसे समझें आप, तो ये समझ लें कि जिस सब्जेक्ट के आगे ये आपको दिया गया है, जिस सब्जेक्ट के आगे ये आपको दिया गया है कि कौन से सेक्शंस में चीज़ें आपको दी जा रही हैं, उस सेक्शन के हिसाब से आप इसका अर्थ निकालें। अभी ईस्टर्न इंडिया के आगे वाज बैटर्ड है तो अभी तुरंत समझ जाएं कि ये जो सब्जेक्ट है ये कार्य कर नहीं रहा है, इस पर कार्य किया गया है, यानी ईस्टर्न इंडिया बैटर कर नहीं रहा है, घायल कर नहीं रहा है, बल्कि घायल किया गया है, चोटिल किया गया है। ये समझने में आपकी प्रॉब्लम हो जाए, मतलब आपका सॉल्यूशन निकलेगा। जबकि यहां देखिए क्या है आपका, सीधे साइक्लोन्स के बाद बैटर्ड है, वाज वर वगैरह नहीं है, यानी इस साइक्लोन ने, मोस्ट पावरफुल साइक्लोन ने बैटर किया है, न कि इसे बैटर किया गया है। ये एक्टिव पैसिव के समझने का फायदा, फिर से समझें। जैसे ही आपने देखा कि इज एम आर वाज वर के बाद क्या है बच्चों, यहां पे थर्ड फॉर्म है बैटर की, तो आप ये समझ जाएं कि ईस्टर्न इंडिया कार्य कर नहीं रहा है, कार्य किया जा रहा है, यानी ईस्टर्न इंडिया घायल कर नहीं रहा है, ईस्टर्न इंडिया को घायल किया गया है, चोटिल किया गया, परेशान किया गया है, ये सेंस हो जाएगा। जबकि यहां पे मोस्ट पावरफुल साइक्लोन जो है ये बैटर किए नहीं जा रहे हैं, ये बैटर कर रहे हैं, यानी इन्होंने परेशान किया, ये सेंस आ जाएगा, ठीक है? यानी ये कौन सी वॉइस है आपकी, एक्टिव हो जाएगी, और ये वॉइस क्या हो जाएगा आपकी, पैसिव वॉइस, ठीक है? यानी कभी भी अगर आप इज एम आर वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें, थर्ड फॉर्म हो वो, तो आप ये समझ जाए वो स्ट्रक्चर नॉर्मली कौन सा स्ट्रक्चर है, पैसिव है, और पैसिव होने का मतलब कि उसके पहले का जो सब्जेक्ट है वो कार्य कर नहीं रहा है, उस पर कार्य हो रहा है, किया जा रहा है, ठीक है? एक और वाक्य देखें, द ह्यूमैनिटीज ओल्डेस्ट ब्लाइट्स विल नेवर ट्रूली बी एलिमिनेटेड, ये एक्टिव होगा या पैसिव, और नो वन कैन ट्रूली एलिमिनेट द ह्यूमैनिटीज ओल्डेस्ट ब्लाइट्स, ये एक्टिव हो या पैसिव, कैसे पहचाने? देखिए यहां पे विल नेवर ट्रूली बी है ना, यानी हमारे पास क्या है, सॉरी विल बी है, और फिर इसके बाद क्या है, एलिमिनेटेड, एलिमिनेट की थर्ड फॉर्म है, यानी विल बी या शैल बी हो, और इसके साथ क्या हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तुरंत समझ जाएं कि वो स्ट्रक्चर किस चीज का है, पैसिव का है। एक्चुअली आप ये जानते हैं किसी भी मॉडल के बाद,
किसी भी मॉडल के बाद अगर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो स्ट्रक्चर पैसिव का है। तो पैसिव कहने का मतलब क्या, समझ रहे हैं ना कि सब्जेक्ट कार्य कर नहीं रहा है, सब्जेक्ट पर कार्य हो रहा है। तो जैसे आपने देखा विल नेवर ट्रूली बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव है। अब इसकी हिंदी कैसे बनाए, द ह्यूमैनिटीज ओल्डेस्ट ब्लाइट्स, यानी जो मानवता के सबसे पुरानी ब्लाइट्स हैं, यानी सबसे पुरानी नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, विल नेवर ट्रूली बिल, वो एलिमिनेट करेंगी नहीं, उन्हें एलिमिनेट किया जाएगा, ये सेंस आएगा। अर्थात ह्यूमैनिटी के जो सबसे पुरानी नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं विल नेवर ट्रूली बी एलिमिनेटेड, उन्हें कभी भी समाप्त नहीं किया जाएगा, अर्थात तो कभी भी समाप्त नहीं होंगी, ये सेंस आ जाएगा। जबकि यहां देखें नो वन कैन ट्रूली एलिमिनेट, सीधे कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये कौन सी वॉइस है, एक्टिव है, यानी इसमें सब्जेक्ट कार्य करेगा। तो नो वन कैन ट्रूली एलिमिनेट, कोई भी एलिमिनेट नहीं कर सकता है द ह्यूमैनिटीज ओल्डेस्ट ब्लाइट्स, मानवता की सबसे प्राचीन जो ब्लाइट्स हैं, मीन्स नुकसान पहुंचाने वाली चीजें, अभिशाप हैं, उन्हें कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। एक छोटा सा प्रयास है जो आगे चलता रहेगा और मैं आसान कर दूंगा इस चीज को, ठीक है। अगला सेक्शन देखें आप, ये है आपके पास, यहां आपको ये बताना है कि जितने आईएनजी फॉर्म्स इसमें हैं ये सारे, ये जीरंड है या पार्टिसिपल है, और अगर कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है तो वो पास्ट पार्टिसिपल है या क्या है, ये पहचान, ठीक है। तो सबसे पहले ये बर्जनिंग और ये मॉनिटरिंग टैकलिंग को समझने से पहले ये समझ लें बच्चों कि अगर आईएनजी फॉर्म है आपके पास प्लस और फिर इसके बाद कोई नाउन है तो आप ये कैसे तय करेंगे कि यह एक जीरंड है या फिर यह एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। इसका सिंपल सा है, उस नाउन से क्या करें आप एक प्रश्न करें, नाउन वो कार्य कर रहा है, अगर वो नाउन कार्य कर रहा है तो फिर वो अपने आप क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, और अगर वो नाउन कार्य नहीं कर रहा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो जीरंड हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझे, मैं हटा दे रहा हूं, देखें मान लीजिए हमने लिया अ बर्जनिंग लोकस्ट, बर्जनिंग लोकस्ट, इस आईएनजी के बाद क्या है, एक लोकस्ट नाउन है आपका। अभी कैसे तय होगा कि यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपका या फिर यह एक जीरंड, नहीं तय कर पाएंगे आप ऐसे। तो इसका तरीका क्या है, जो नाउन है उस नाउन से यह देखें कि वह नाउन ये बर्जन होने का कार्य कर रहा है या नहीं, तो लोकस्ट जो है वो बर्जन कर रही हैं, अर्थात तेजी से क्या हो रही है, वो बढ़ रही हैं। तो अगर वो नाउन कार्य कर रहा है वो जो आईएनजी फॉर्म है तो तुरंत कह दें वो क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, अगर ये कार्य नहीं करती तो क्या हो जाता, ये जीरंड हो जाता, ठीक है। अब देखते हैं जितने आईएनजी फॉर्म्स हैं यहां पे, देखें तो अ बर्जनिंग लोकस्ट, यानी वो लोकस्ट जो बर्जन कर रही है, यानी विकसित हो रही, तेजी से बढ़ रही है, यहां बर्जन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाए, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगला है मॉनिटरिंग एंड ट्रैकलिंग, दोनों में आईएनजी है, और इसके बाद है पीरियाडिक आउटब्रेक्स, ये नाउन हो गए आपके पास, एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन फ्रेज। अब ये पीरियाडिक आउटब्रेक्स जो हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं और टैकल कर रहे हैं या नहीं, तो ध्यान से देखें ये समय समय पर होने वाली जो शुरुआतें हैं वो शुरुआतें मॉनिटर नहीं कर रही हैं, वो शुरुआतें टैकल नहीं कर रही हैं, इसका मतलब ये मॉनिटरिंग और टैकलिंग दोनों यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं हो सकता है, ये क्या हो जाएंगे यहां पे बच्चों, जीरंड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जीरंड। और देखें आसान हो जाएगा, नो लार्ज स्केल ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के बाद तो कुछ है नहीं, सीधे वर्ब आ गई तो आप तुरंत कह दें यहां पे ब्रीडिंग क्या है, ब्रीडिंग क्या है बच्चों, यहां पे सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट का काम करेगा मैंने बताया हुआ है वो क्या हो जाएगा, हमेशा
जिन जब भी वर्ब प्लस आईएनजी सब्जेक्ट काम करे तुरंत कह दें वो क्या है, जीरंड है। नेक्स्ट है द स्वार्म बिल्डिंग अप इज, अभी क्लियर नहीं कि बिल्डिंग अप जो है ये आपका सब्जेक्ट है कि नहीं, क्यों, क्योंकि स्वार्म के बारे में बिल्डिंग अप बताया जा, स्वार्म बिल्डिंग अप नहीं, स्वार्म जो बिल्ड अप कर रहा है, यानी वो झुंड जो बिल्ड अप कर रहा है, मीन्स विकसित होता जा रहा, बढ़ता जा रहा है, कि स्वार्म ही बिल्डिंग अप कर रहा है ना, स्वार्म ही तो बिल्ड अप हो रहा है, यानी ये सब्जेक्ट, ये नाउन जो है ये कार्य कर रहा है, यहां बिल्डिंग अप क्या हो जाएगा आपका बच्चों, क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। फिर इट इज अ टेस्टिमनी टू इट्स डिवास्टेटिंग पोटेंशियल, इट्स डिवास्टेटिंग पोटेंशियल वर्ब प्लस आईएनजी है और फिर नाउन है ये पोटेंशियल, तो वैसे भी आपका यहां क्षमता के रूप में, ठीक है, तो अगर ये पोटेंशियल डिवास्टेट कर रहा है, यानी ये क्षमता, वो क्षमता जो डिवास्टेट कर रही, नष्ट कर रही है, तो है ना, वही इसकी जो क्षमता है, पोटेंशियल है, वो नष्ट कर रही है, तो डिवास्टेटिंग क्या हो जाएगा यहां पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है। द ब्रीडिंग लोकस, अभी मैं एग्जाम्पल दिया था, वो लोकस्ट जो ब्रीड हो रही है, यानी ब्रीड कर रही है, यानी अगर ये नाउन खुद कार्य कर रहा है ब्रीड करने का, यहां ब्रीडिंग क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। वार्मिंग ऑफ द इक्वेटोरियल, यहां ऑफ के पहले वार्मिंग है और वार्मिंग के साथ कुछ नहीं है, यानी वार्मिंग खुद यहां क्या है आपका, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, तो आंख मुंह के कह दीजिए ये क्या हो जाएगा, जीरंड हो जाएगा। दिस लेड टू रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल, रेनफॉल क्या हो गया यहां, नाउन, नाउन के पहले है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईएनजी फॉर्म, यानी वो रेनफॉल जो रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है, यही ना, वो रेनफॉल जो रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है, तो अगर ये कार्य कर रही है इसका मतलब ब्रेकिंग यहां क्या हो जाएगा आपका, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, यही ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। मोस्ट अफ्रीकन डिजर्ट्स प्रिसिपिटेटेड लोकस्ट ब्रीडिंग, लोकस्ट के बाद ब्रीडिंग है, एंड फेवरेबल, ये तो अलग है आपका, ये लोकस्ट के बाद ब्रीडिंग है और ये ब्रीडिंग किस रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये आपका जीरंड हो जाएगा, ठीक है। एंड और फेवरेबल रेन बियरिंग विंड्स, रेन बियरिंग विंड्स, यानी वो विंड्स जो रेन बियर कर रही है, क्या कर रही है, वो विंड्स जो रेन बियर कर रही हैं, तो अगर रेन बियर कर रही हैं तो रेन बियरिंग क्या हो जाएगा यहां, एडजेक्टिव, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। कोरोना वायरस क्वारंटाइन्स मीन्ट दैट रूटीन कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज इनवॉल्विंग इंडिया पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, वो एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व कर रही हैं, वो एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व कर रहे हैं किसे, इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, तो अगर वो एक्टिविटीज ही इन्वॉल्व कर रही हैं इसका मतलब कि इन्वॉल्विंग यहां क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। और आपका और है एंड अफगानिस्तान, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग बच्चों क्या होता है जान लें, जब रिगार्डिंग एक नाउन या नाउन फ्रेज के पहले आता है तो वह एक प्रीपोजिशन हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, प्रीपोजिशन। रिगार्डिंग के बाद फिर है स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, अब देखिएगा स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, वो पेस्टिसाइड्स स्प्रे नहीं कर रहे हैं बच्चों, लोग पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर रहे हैं, तो स्प्रेइंग यहां क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जीरंड हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा तरीका, आगे फिर जैसे जैसे एडिटोरियल्स में ऐसे मिलते जाएंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा कि इस तरीके से आप जीरंड या पार्टिसिपल की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं बच्चों, आसान हो जाएगा। अगर वो नाउन कार्य खुद कर रहा है तो वो उसके पहले आईएनजी या उसके बाद जो आईएनजी है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, और अगर वो नाउन कार्य नहीं कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, वो आपका जीरंड हो जाएगा। आगे और भी इस पे बेहतर हम जानेंगे। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट मैंने दिया, बस बच्चों आपको छोटी छोटी चीजें समझाने का, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स रहेंगे बच्चों, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, आप देखिएगा बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। यहां आपको बताने की कोशिश की गई
डिकेड्स क्या है बच्चों? टाइम, तो टाइम के पहले क्या लगाया गया? इन। जब भी कभी आपको कहीं क्या दिया गया हो, कोई मंथ दिया गया हो, कोई ईयर दिया गया हो, कोई सेंचुरी दी गई हो, कोई डिकेड्स दिए गए हो, कोई एरा दिया गया हो, तो इनके पहले हम क्या लगाते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कहीं अगर मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है और नाइट है, तो इनके पहले क्या लगाइएगा? द लगाइए। क्या लगाइएगा? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट के पहले क्या लगाइएगा? द, और तब लगा दीजिएगा इन। बिना द लगाए आप इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप द नहीं लगाना चाहते हैं तो मॉर्निंग को छोड़ करके बाकी सबके साथ आप एट लगा सकते हैं। एट आफ्टरनून, एट इवनिंग, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट डॉन, एट सनराइज, एट डस्क, एट ट्वाइलाइट, ये कर सकते हैं। मॉर्निंग के साथ आप एट नहीं लगाइएगा, मॉर्निंग से पहले द लगाइएगा और उसके पहले इन लगा दीजिएगा। और अगर इवनिंग, नाइट और आफ्टरनून के पहले भी आप द लगा देते हैं तो इन लगाइएगा, न कि एट लगाइएगा। यानी अगर एग्जाम में आपको ऐसे दिया जाए, ही केम हो गया डैश और यहां नाइट दे दिया जाए, क्या भरेंगे आप? क्या भरेंगे? एट। लेकिन अगर यहां वाक्य ये रहता, ही केम, चलिए यहां द जोड़ देते हैं, द नाइट, अब क्या भर लेंगे आप? यहां इन भर लेंगे। यही सिस्टम यहां पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आप पहचानें धीरे धीरे। यहां बताया गया लर्क ऑन समथिंग होता है, लर्क के साथ ऑन लगाएं यदि किसी चीज पर वो घात लगाए बैठा है, ठीक है। यहां देखिए क्या है, ये स्थान है, बड़े स्थान है, तो इनके पहले क्या लगा है? इन लगा है। अगर इनके साथ कोई छोटा स्थान भी होता तो क्या लगा देते आप? एट। जैसे एट अलवर इन राजस्थान, एट अहमदाबाद इन गुजरात, ठीक है। बेन ऑफ समथिंग होता है, बेन याद है अभिशाप, तो बेन के साथ ऑफ लगाएगा समथिंग के लिए। आउटब्रेक्स ऑफ होता है, किसी चीज की शुरुआत दिखानी हो, जिस चीज की शुरुआत दिखानी हो, जैसे द इंसेक्ट्स की शुरुआत दिखाई जा रही है, क्या लगाया? ऑफ। एमंग कहां लगाएं? जहां दो से अधिक की बात की जा रही हो, ठीक है। एमंग कहां लगाएं? दो से अधिक और काउंटेबल की बात की जा रही, ध्यान रखिए बच्चों, काउंटेबल की बात की जा रही हो, तो जब काउंटेबल प्लूरल हो दो से अधिक तो क्या लगाइएगा? एमंग। और आप जानते हैं जहां दो होता है वहां एमंग के बजाय क्या लग जाता है? बिटवीन लग जाता है। यहां आपको समझाने की कोशिश करिए, फ्रॉम का कॉम्बिनेशन टू होता है या फ्रॉम का कॉम्बिनेशन टिल होता है, ठीक है। फ्रॉम के साथ टू भी लगा सकते हैं और फ्रॉम के साथ टिल या अनटिल भी लगा सकते हैं, लेकिन आप ये जानते हैं बिटवीन का कॉम्बिनेशन एंड होता है, नॉर्मली एंड होता है। फार अबाउट टू ईयर्स, जब आपको कहना हो दो वर्षों से, तब भी आप फार लगाइएगा, और जब आप कहना दो वर्षों तक, दो वर्षों तक, तब भी क्या लगाइएगा? फार लगाइएगा। टेस्टिमनी टू समथिंग होता है, जिस चीज के प्रमाण की आप बात करें वहां टेस्टिमनी के साथ टू लगाइएगा। जब आप एक एज दे रहे हो, ठीक है, एज के साथ वो समय भी दे रहे हो, 14 साल, 15 साल, 20 साल, तो उसके साथ क्या लगाइएगा? बिलो। लेकिन जब ये एज न दी गई हो कितने साल, तो एज के साथ अंडर या ओवर लगाइएगा। जैसे अंडर एज या ओवर एज होता है, ठीक है। लेकिन इसी एज के साथ आपने ऑफ 14 जोड़ दिया जैसे ही, तो अंडर हट जाएगा, क्या हो जाएगा यहां? बिलो हो जाए, ठीक है, काम आएगा एग्जाम में। या पढ़े अबाइड बाई हो गया, जब आप किसी कानून वगैरह, एग्रीमेंट वगैरह से सहमत होते हैं, फॉलो करते हैं, तो अबाइड बाई करते हैं। लेकिन जब आप किसी के साथ रहते हैं तो वहां क्या लगते हैं? अबाइड विद सम वन हो जाता है, अबाइड एट सम वेयर हो जाता है, क्या जाता है? किसी के साथ रहते हैं तो अबाइड विद लीजिएगा, ठीक है, और किसी के कहीं पर रहते हैं
तो अबाइड एट लीजिएगा, ऐसी अवस्था में अबाइड मीन्स रहना हो जाता, ठीक है। अबाइड एट समवेयर और अबाइड विद समवन, लेकिन अबाइड बाय किसी कानून नियम का पालन करना। फॉल आउट के साथ क्या लगाएगा, ऑफ, जिस चीज का परिणाम है, जिस चीज का परिणाम है उसके लिए फॉल आउट ऑफ लगाएगा। आप जानते हैं बिकॉज ऑफ क्या होता है, बिकॉज ऑफ के कारण, बिकॉज ऑफ के स्थान पे और क्या लगा सकते हैं, मैंने बताया था आपको ऑन अकाउंट ऑफ और ड्यू टू और ओविंग टू। जैसे आपको के कारण के सेंस में लेना है तो आप इन चारों में से नॉर्मली कोई लगा सकते हैं। जैसे आप कहना हो बीमार होने के कारण वह स्कूल नहीं आया, तो क्या कर लेंगे आप, बिकॉज ऑफ इलनेस ही डिड नॉट कम टू स्कूल, या ओविंग टू बीइंग इल ही डिड नॉट कम टू स्कूल, या ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इल ही डिड नॉट स्कूल, ही डिड नॉट कम टू स्कूल, या ड्यू टू, ड्यू टू के बाद बीइंग नहीं लीजिएगा, ड्यू टू इलनेस ही डिड नॉट कम टू स्कूल, या ही डिड नॉट कम टू स्कूल ड्यू टू इलनेस, ठीक है। बाय जुलाई, जब भी कोई समय आपको दिया जाए और उसका तक का मैटर हो तो वहां क्या लगा ले, बाय भविष्य के लिए, ठीक है। जैसे बाय टुमारो, बाय जुलाई, बाय अगस्त, ऐसे यूज कर ले आप। लीड के साथ क्या लगाएगा, टू, ये लीड की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है लेड। लीड के साथ जिस तरफ आप जा रहे हो लीड टू का क्या कर लीजिएगा, प्रयोग कर लीजिएगा। जब आपको किसी चीज के होने का कारण हो तो कॉज के साथ क्या लगाएगा, फार। जैसे प्रसन्न होने का कारण, प्रसन्न होने के लिए कारण, तो कॉज फार लगाइएगा। जिसकी तरफ की बात की जाए तो क्या लगाइएगा, टूवर्ड्स लगाए। जैसे वो स्टेशन की तरफ जा रहा है, स्टेशन की तरफ जा रहा है तो ही इज गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन, लेकिन वो स्टेशन जा रहा है, ही इज गोइंग टू द स्टेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक फ्रेज है बच्चों, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, जब आपको कहना हो कि एक तरफ तो वो ईमानदारी की बात करता है, दूसरी तरफ वो खुद बेईमान है, तो एक तरफ के लिए ऑन वन हैंड ही टॉक्स ऑफ ऑनेस्टी, बट ऑन द अदर हैंड हो गया ना, ऑन द अदर हैंड, इस अदर हैंड में से आप चाहें तो हैंड हटा भी सकते हैं, ऑन द अदर ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ड्यूरिंग किसके लिए होता है, के दौरान, ड्यूरिंग द सोविंग सीजन, बुआई के सीजन के, ड्यूरिंग के दौरान, के दौरान, ड्यूरिंग और वाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वाइल के साथ पूरी एक क्लाज होती है जबकि ड्यूरिंग के साथ केवल एक फ्रेज होता है। ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग के बाद कभी भी क्लाज नहीं लीजिएगा, ऐसा वाक्य कभी मत लिखिएगा, ड्यूरिंग ही वॉज कमिंग, ये गलत है बच्चों, क्योंकि ही वॉज कमिंग क्या है, पूरी क्लाज है, और ये ड्यूरिंग क्या है आपका, के दौरान के सेंस में है, तो कभी ड्यूरिंग नहीं हो सकता है, यहां आपको क्या लेना होगा, वाइल, तो वाइल ही वॉज कमिंग, इस तरह आप यूज कर सकते हैं। फिर आपका है एस्पेक्ट के साथ क्या लगाएगा, ऑफ, एस्पेक्ट में समझते हैं ना, पहलू, पक्ष, यानी ग्लोबल वार्मिंग का एक पहलू, तो क्या लगाया, एस्पेक्ट ऑफ, आप देख रहे होंगे ऑफ का सेंस एक निकल रहा है, का, की, के, इस सेंस में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। और फोकस के साथ क्या लगाइएगा, आन लगाइएगा, और बेस्ड के साथ क्या लगाइएगा, आन लगाइएगा, काउंट के साथ क्या लगाइएगा, आन लगाइएगा, डिपेंड के साथ नॉर्मली आन लगाइएगा, और रिलाई के साथ भी क्या लगाइएगा, आन लगाइएगा। बेस्ड ऑन आधारित होना, काउंट ऑन भरोसा करना, डिपेंड ऑन निर्भर होना, रिलाई ऑन भरोसा करना, ये सब चीजें धीरे धीरे बच्चों याद करते जाएं। एक छोटा सा सेगमेंट था मेरा सिर्फ छोटी छोटी चीजों को तैयार कराने का, ये मैं रेगुलरली आपको देता रहूं, जब भी मुझे लगेगा कि हाँ इस एडिटोरियल में ये चीजें आपको देने के लिए हैं, ये छोटा सा सेगमेंट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा ताकि इसमें आपका
फायदा हो। ठीक है बच्चों, ये सेगमेंट कैसा लगा आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, ये आगे चलाया जाना चाहिए कि नहीं चलाया जाना चाहिए अपनी बात जरूर रखिएगा, अच्छा हो तो भी और कुछ कमियां हो तो भी बताएं। बच्चों डिसलाइक करने के बजाय आप मेरी कमी बता दिया करें, सर यहां पे मैं क्या करना चाहता हूं, क्या कर सकता हूं, इंप्रूव कर सकता हूं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। जब कोई बच्चा डिसलाइक करता है तो ऐसा लगता है आपने कहीं कहीं मेरा इंसल्ट किया है, क्योंकि मैं टीचर हूं बच्चों आपका, तो कहीं कहीं और लगता है। आप ये बताएं कि सर यहां पे इंप्रूव किया जा सकता है, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये सेगमेंट देखने के लिए। आगे फिर मिलते हैं कल 9 बजे एडिटोरियल के लिए, और अगर उसमें कुछ रहेगा ऐसा देने के लिए मैं फिर से आपको ये सेगमेंट लेकर जरूर आऊंगा फिर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, हमेशा खुश रहें आप।